हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घरेलू देसी नुस्खे। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बहुत ही स्पेशल रेमेडी है, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्किन के इन्फेक्शन से आप किस प्रकार से बच सकते हैं और किस प्रकार से आप उसे घरेलू उपाय के द्वारा दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कि बदलते मौसम के कारण या फिर साफ सफाई न रखने की वजह से हमारी जांघों के बीच में या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पर दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा खुजलाहट होती है। कभी कभी तो ये खुजलाहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे खून भी निकलने लग जाते हैं। लेकिन फ्रेंड, जो आज मैं रेमेडी लेकर आया हूँ, इस रेमेडी की हेल्प से आप अपने पुराने से पुराने दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग या फिर जो फंगल इन्फेक्शन है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इस रेमेडी को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, ये नेचुरल रेमेडी है और 100% आयुर्वेदिक रेमेडी है, जिसकी हेल्प से आपको 100% फायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए जो सबसे पहली चीज़ होगी वो है फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। आप तो जानते हैं फ्रेंड्स कि नारियल का तेल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से एक चम्मच नारियल तेल की यानी कि कोकोनट ऑयल की यूज करनी होगी। ये पुरानी स्किन को हटा करके नए सेल्स लाने में काफ़ी हेल्प करता है, साथ ही फंगल इन्फेक्शन आदि में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद में फ्रेंड, जो अपनी दूसरी चीज़ होगी वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कपूर की दो छोटी छोटी टिकियाँ ली है। अगर आपके पास में बड़ी टिकिया हो तो आप वो बड़ी ले सकते हैं, अगर आपके पास में छोटी टिकिया हो तो आप इस प्रकार से दो टिकिया आपको लेनी होगी। लेने के बाद में फ्रेंड्स, आप इनको इस प्रकार से बिल्कुल चूर्ण बनाना। आपको जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं इसको चूर्ण बना रहा हूँ। फ्रेंड, जो ये कपूर होता है, ये मैंने पूजा वाला कपूर लिया है, जो कि फंगल इन्फेक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके सालों पुराने फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, दाद, खाज, खुजली हो रहा है, तो ये उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प देगा। इसके बाद में फ्रेंड, जो अपनी अगली चीज़ होगी वो है फ्रेंड्स, हल्दी पाउडर, जो कि एंटी बैक्टीरियल गुणों से युक्त होती है। इसमें ऐसी की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि स्किन के रोगों से, स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हमें छुटकारा दिलाता है। तो आपको इस प्रकार से दो चुटकी के लगभग आपको हल्दी पाउडर यूज करना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग हैं वो इस रेमेडी का पूरा पूरा फायदा उठा सके। फ्रेंड्स, ये देखिए अपना नुस्खा बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बताता हूँ इसे अप्लाई करने का सही तरीका। फ्रेंड्स, आपको कोई भी इस प्रकार से कॉटन बाउल लेना है, आपको इसे अपने हाथ से अप्लाई नहीं करना है। इस प्रकार से कॉटन बाउल लेकर के फ्रेंड्स, आपको इसे इस नुस्खे को डिप कर लेना है इस नुस्खे में, और फिर जहां भी आपके फंगल इन्फेक्शन हो रहा है आपको इस प्रकार से उस वाले स्थान पर आपको इस प्रकार से इसे अप्लाई करना होगा। फ्रेंड्स, आप ये नुस्खा एक दिन में सुबह और शाम दो टाइम जरूर यूज करें, आपको इसके चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। और लगातार 3 से 4 दिन तक आप इसे करें, या फिर जब तक आपके ठीक नहीं होता है फंगल इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली, जब तक आप इस नुस्खे को अप्लाई करें, आपको इसके बहुत ही 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।